बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने आखिरकार एनडीए के साथ जाने का फैसला ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात के बाद यह तय माना जा रहा है कि वे एक बार फिर एनडीए का हिस्सा होंगे, लेकिन मांझी के कुनबे में एनडीए में शामिल होने को लेकर असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। मांझी एनडीए में जाने का ऐलान पहले ही करने वाले थे, लेकिन दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। माना यह जा रहा था कि सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि अब उनकी पार्टी ने कहा कि सीट कोई मुद्दा नहीं है, वे एनडीए के साथ ही जाएंगे। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि 3 सितंबर को एनडीए का हिस्सा हो जाएगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। विकास के लिए पार्टी एनडीए का हाथ थामेगी और सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। जाहिर है कि इस फैसले की वजह यह भी है कि महागठबंधन से अलग होने के बाद मांझी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। चुनाव नजदीक है और उन्हें जल्द ही कोई फैसला लेना था। एनडीए में शामिल होने का उनका फैसला अंतिम विकल्प था। देखिए, 3 सितंबर 2020 को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी इस बात की घोषणा करेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा रहेगा। सीट हमारे लिए कोई एजेंडा कभी नहीं रहा था। हम डेवलपमेंट को लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है। हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की धारा है, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, देश में जो वित्तीय संकट हो रहा है, उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयार नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था। और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल